हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारे पास एक फ़ोन है जो कि है रेडमी का नेक्स्ट नोट 7 प्रो है। और इस फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है तो मैं आपको दिखाता हूँ जरा ऑन करके। तो देखिए, इसमें क्या आ रहा है कि हाफ डिस्प्ले आ रहा है, आधा आ रहा है, आधा वो भी व्हाइट आ रहा है, आधा ब्लैक आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये हमारा प्रॉब्लम है कि हाफ डिस्प्ले आ रहा है इस फ़ोन के अंदर। थोड़ी सी डिस्प्ले इसमें अंदर आ रहा है, हाफ आ रहा है और थोड़ा नहीं आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। और ये फोन जो आया है अभी हम अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में है, और हमारे कुछ स्टूडेंट भी है हमारे साथ जिन्होंने ये अपना फोन लेकर के आया है। क्या नाम है आपका? एम डी शाहिद आलम। MD शाहिद आलम जी ने ये फोन लेकर के आया है। ये हमारा ऑफलाइन का सेंटर है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारा लिमिटेड स्टूडेंट के साथ ही क्लास चलता है। तो आपने इसको बनाया था इस फोन को? जी सर, ट्राई किया था मैंने। क्या हुआ आपको? नहीं पता? नहीं हुआ, मैंने कुछ पता ही नहीं चला था, दिक्कत थी। ओके, तो कोई नहीं। तो हम अपने क्लास में ही इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है और क्या परेशानी है इस फोन के अंदर। तो ये फोन हमारा यहाँ हमने सामने रख दिया है, तो एक बार इसको हम दोबारा ऑन करके देखते हैं। देखिए, इस तरह से ये हमारा फोन आ रहा है। ठीक है, क्या आप इसकी हरकत देख पा रहे होंगे? ओके, फोन हमारा साउंड दे दिया है, यानी कि ये हम कंफर्म है कि हमारा फोन ऑन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चालू है। जो है ग्राफिक का प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, तो अगर इस तरह के फोन आए तो हमें क्या करना है, क्या स्टेप फॉलो करना है, किस तरह से इसको रिपेयर करना है, तो चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। और ये फोन अभी हमें साहिद जी ने दिया है। क्या साहिद जी, अभी दिया ना आपने हमें? जी सर, मैंने दिया आपको। ओके, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको डिसेम्बल कर लेते हैं। देखिए, ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, हम डायरेक्ट मुद्दे पे बात करेंगे कि इस तरह के प्रॉब्लम में हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, तो आप चाहें तो इसके लिए आप हार्डवेयर सॉल्यूशन या फिर बिटमैप का भी हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले ना हमें देखना पड़ेगा कि डिस्प्ले हमारा डिटेक्ट तो हो रहा है, आखिर डिटेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, इसीलिए इसमें लाइट जल रहा है, यानी कि डिस्प्ले का आईडी जो है वो आइडेंटिफाई हो रहा है सीपीयू को, इसलिए इसमें हमारा लाइट जल रहा है, लेकिन ग्राफिक नहीं आ रहा है। तो ये ग्राफिक नहीं आ रहा है तो ये एक्चुअली में प्रॉब्लम होता कहाँ से है, तो चलिए हम इसके थोड़ा सा स्कीमेटिक भी हम आपको समझाते हैं। आगे हम अपने पीसी पे और इसका हम निकाल लेते हैं स्कीमेटिक। Note 7 Pro, चलिए Note 7 Pro दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सिमेटिक का थोड़ा हेल्प लेंगे, क्योंकि बनाने के लिए तो शॉर्टकट चल सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको डिटेलिंग समझा देते हैं कि अगर हमारा डिस्प्ले से इशू है तो हमको डिस्प्ले का यहाँ से नंबर कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ स्कीमेटिक में पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप आ जाएंगे डायरेक्टली डिस्प्ले के सेक्शन में, और ये रहा हमारा डिस्प्ले का सेक्शन। अब एक्चुअली पॉइंट क्या है कि इसमें हमारा दिक्कत क्या हो सकता है कि हमारा हाफ ग्राफिक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें इसका ना मीपी लाइन चेक करना पड़ेगा। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये टोटल इसका मीपी लाइन होता है, ये हमें इसका मीपी लाइन देखना पड़ेगा कि इसका मीपी लाइन प्रॉपर है या नहीं। ठीक है, बाद बाकी इसका जो सारा कनेक्शन है वो ठीक है, तभी ये इसका ग्राफिक्स जो है वो आ रहे हैं, लेकिन डिस्प्ले फट रहा है, हाफ डिस्प्ले में आ रहा है। तो हमें इसका सबसे पहले देखना पड़ेगा ये ग्राफिक्स लाइन, और ये ग्राफिक्स लाइन अगर जा रहा है तो ये टोटल ग्राफिक्स लाइन आपका सीपीयू से कनेक्टिविटी बनाता है। हम इसका सबसे पहले जीआर वैल्यू चेक करेंगे, और अगर जीआर वैल्यू में अगर आपको कोई भी डिफरेंस मिलता है तो आप इसका एक तरीका और इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसका डायोड वैल्यू भी आप ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या आपको डायोड वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हम अगर एक अकॉर्डिंग देखें तो 214, 214, 214, 214 हमारा समथिंग, और 213 हमारा समथिंग आ रहा है। ठीक है,
तो हम इस हिसाब से एक जी आर वैल्यू सबसे पहले मैच कर लेते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीमीटर को हमने रखा है बजर यानी डायोड मोड में, बजर मोड में, और यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा ग्राउंड है, ये ठीक है 214, ठीक है 214, और अगर इधर से ले तो ये सब हमारा ग्राउंड है, ये कॉइल का हम लेंगे 241, फिर एक नेगेटिव होगा हमारा 241, 41 ग्राउंड है, 41, 41, 16, ठीक है ये नेगेटिव होगा, फिर इसको देखेंगे, देखिए ये हमारा मिसिंग है, ये आप देख पा रहे होंगे हमारा नहीं है ये वाला, और ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो यहाँ से ये जो है हमारा ये लाइन मिसिंग है। आप देख पा रहे होंगे मल्टीमीटर आपको शायद क्लियर दिख रहा है कि हमारा ना ये वाला जो लाइन है ये लाइन मिस है, ये अब ये लाइन मिस है तो हो सकता है हमारा ये कटा हुआ हो, तो हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए ये सही है, ये भी सही है। अब आखिर एक्चुअली है क्या कि ये आपस में सही है लेकिन इस पे हमारा जी आर नहीं है, तो हम इसके पीछे चेक करेंगे कि इसके पीछे हमारा जी आर है या नहीं। देखिए इधर है जी आर, इसके पीछे भी जी आर है ना, लेकिन ये कॉइल भी है हमारा बीप कर रहा है, तो आखिर ऐसा क्या मसला है कि पीछे जी आर भी है, कॉइल बीप भी कर रहा है, लेकिन ना कनेक्टर पे हमारा वैल्यू नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये कॉइल हमारा ड्राई हो चुका है। ठीक है, हम इसको एक बार थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हमने इसको सिर्फ रिसोल्ड किया है अभी, और उसके बाद हम एक बार वैल्यू चेक कर लेंगे, अगर रिसोल्ड करने के बावजूद भी वैल्यू हमारा नहीं बनेगा तो हम इसको हटा के जम्पर करेंगे। अभी भी हमारा इस पे एक पे देखिए आ गया है, एक पे अभी भी हमारा नहीं आया है, हो सकता है ये कॉइल अंदर से अभी भी ज्वाइंट नहीं है, टूटा हुआ है, तो हम इसे बाईपास भी कर सकते हैं, निकाल के जंपर भी कर सकते हैं, तो चलिए हम इसे निकाल के जंपर ही कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये कॉइल हमारा क्या था, टूटा हुआ था। ठीक है, मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि ये कॉइल क्या है हमारा एक साइड से टूटा हुआ है, जिस वजह से एक्चुअली ये हमारा काम नहीं किया। ठीक है, तो हम इसको हटा के जंपर भी कर सकते हैं या इस कॉइल को रिप्लेस भी कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड से हम इस कॉइल को उतार लेंगे। इसमें हम हल्का सा पीपीडी कनेक्ट कर रहे हैं ताकि ये इजीली सोल्व हो जाए।
ठीक है, हमारा वैल्यू दोनों पे अब आ रहा है। अब हम इसको चेक कर लें, तो एवरीवन आप समझ सकते हैं कि हमारा फोन इजीली किस तरह से रिपेयर होता है अगर हम लोग मेथड से चले, यानी कि किसी ने एक तरीका से फोकस करें तो हमारा फोन आराम से चलता है। और लगता है कि इस कंडीशन में इसे फ्लैश भी करके देखा गया है, ताकि कि हो सकता है फ्लैश करके ये रिपेयर हो जाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, टच भी काम कर रहा है।